हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स, मेकअप स्पॉन्जेस और मेकअप ब्रशेस इसी तरह से गंदे हो चुके हैं तो इन्हें साफ करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक फेस वॉश। आप कोई भी माइल्ड फेस वॉश ले लें और ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन करने के लिए फेस वॉश को ब्यूटी ब्लेंडर पे इस तरह से ले लें एंड अपने हाथों की मदद से इसे अच्छे से रब करें और इसके अंदर जो भी मेकअप कलेक्ट हो गया है उसे आप स्क्वीज करके और अच्छे से रब करके निकाल दें ताकि सारा मेकअप जो आपकी ब्यूटी ब्लेंडर्स में लग गया है वो अच्छे से रिमूव हो जाए और आपको नया जैसा बिल्कुल क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये कितना क्लीन हो गया है। अब ब्रशेस के भी हम ऐसा ही करेंगे। फेस वॉश लेकर अगेन इसे अपने पाम और फिंगर्स के बीच में रब करें, अच्छे से रब करें और सारा डर्ट, सारा मेकअप यहाँ से रिमूव कर दें और उसे पानी से वॉश कर दें। हमेशा जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर्स, मेकअप ब्रशेस यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह से वीकली इसे वॉश करना चाहिए बिकॉज इसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज हैं वो सारे आपके स्किन पे स्टिक हो जाते हैं तो स्किन की कोई भी प्रॉब्लम जैसे एक्नी जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो यू मस्ट वॉश योर मेकअप ब्रशेस, मेकअप स्पॉन्जेस एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स। और ये बहुत ही आसान है जैसे आप देख सकते हैं। एंड यस, सिमिलरली दूसरी ब्यूटी ब्लेंडर को क्लीन करके दिखा रही हूँ जब तक ये क्लीन होता है। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें प्लीज़। और देखिए ब्यूटी ब्लेंडर हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है। इन्हें क्लीन करने के बाद आप इन्हें ड्राई करने के लिए एक टॉवल के ऊपर रख दें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और आप दोबारा इन्हें यूज़ कर सकें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।